हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ठीक ठाक होंगे। और आज है 31 जुलाई और आज बहुत खुशी का दिन है। आज है मेरे बेटे का बर्थडे। चलिए आप लोगों से बातें करते हैं। आज आप लोग सोच रहे होंगे इतनी सारी तैयारियां किस चीज़ की हैं, और आप लोगों ने हमारी डिश बनी हुई देखी है तो मैं आज आप लोगों को बता दूं, आज है 31 जुलाई और मेरे बेटे का है आज बर्थडे। तो मैं आज सुबह से बहुत खुश हूँ, थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ। वैसे तो गर्मी में होती नहीं हूँ, ऐसी सिंपल ही रहती हूँ, मुझे तो सिंपल ही रहने की आदत है। और वैसे तो बाहर ही मनाते थे, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बेटा बड़ा हो गया है तो घर में तो कभी मनाया नहीं, जब से बड़ा हुआ है बाहर ही जाते हैं। ये कोरोना चल रहा है और ये कोरोना के चक्कर में तो बस सबका खाना पीना बंद हो गया है बाहर से। बच्चे तो वैसे भी शौकीन होते हैं, बाहर से खाते हैं, और 3-4 महीने से कुछ भी घर में ना मंगाया है ना कुछ खाया है, तो बाहर ही सेलिब्रेट करते थे, बाहर ही जाके बर्थडे मनाते थे, वहीं केक काटते थे। और इस बार ऐसा हो रहा है कि बस घर पे ही करना पड़ रहा है, तो घर पे ही केक काटूंगी। और तैयारी कर ली है थोड़ी, शाम को छोले बनाएंगे और पूड़ी बनाएंगे, मैदे की पूड़ी बनाएंगे और काले वाले छोले बनाएंगे, तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और वैसे घर में थोड़ा सोचा भी था किसी को बुला लें, और अच्छा लगता है जब दो लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से ना कोई आना चाहता है और हम भी बुलाना नहीं चाहते हैं किसी को, क्योंकि कोरोना की वजह से डर लगता है, पता नहीं कब किसको किससे क्या बीमारी आ जाए, कुछ पता ही नहीं चलता है। और गर्मी लग रही है, पंखा नहीं चलाती हूँ, पंखा चलाओ तो वो फिर रिकॉर्डिंग में आवाज़ आती है, इस वजह से पंखा बंद करना पड़ता है, तो बस इसीलिए नहीं बुलाते हैं किसी को। और आजकल लोग एतराज़ भी करते हैं, किसी को खाने पीने की चीज़ दो तो लेना भी नहीं चाहते हैं, तो फिर अपने आपस में ही घर में मना लेंगे। घर पे बेटी है, दामाद है और बेटा है, बस 3-4 लोग मिलके मना लेंगे, केक काट लेंगे और आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे केक। गुब्बारे वगैरह लगाना चाहते थे तो बेटा ने मना ही कर दिया कि नहीं मम्मी, मैं बड़ा हो गया हूँ, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे भी है बस अच्छा ही है। फिर माँ बाप के लिए तो चाहे छोटी खुशी हो चाहे बड़ी खुशी हो, बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता है, बच्चे ही सब कुछ होते हैं माँ बाप के लिए। तो बाकी करते हैं आप लोगों के साथ शेयर, शाम को जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हम आ गए हैं किचन में, तो हमने खीर पहले से ही गैस पे चढ़ा रखी थी, खीर हमारी आधी बन चुकी है, और हम इसमें चीनी हम साथ में ही डाल देते हैं, और हम इसमें मखाने डाल रहे हैं। अभी मखाने डालने के बाद भी हम काफ़ी देर तक इसको बनाएंगे, जब तक ये एकदम थिक ना हो जाए और खूब अच्छी तरह से घुट ना जाए, तब तक हम अपने छोले की तैयारी कर लेते हैं। या वो हमने यहाँ पे ये टमाटर काट लिए हैं, और ये चॉप प्याज चॉप कर लिया है, और इधर खीर के लिए इलायची कूट रही हूँ, थोड़ी सी इलायची डाल दूंगी तो खीर का टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। खीर तकरीबन हमारी बनी चुकी है, बस बनने ही वाली है खीर हमारी। देखो हमने कम से कम इस खीर को 2 घंटे बनाया है, और जितनी ज़्यादा इस खीर को बनाएंगे उतनी ही अच्छी बनती है खीर हमारी। इधर छोले निकाल लेते हैं, छोले हमने ऐसे ही उबाले थे, ना इसमें हमने नमक डाला है ना कोई मसाले डाले हैं, बस प्लेन उबाल के और इन्हें अच्छी तरह से धो लेते हैं। धोती इसलिए हूँ कि इसमें थोड़ा कालापन आ जाता है, वो अच्छा नहीं दिखता है। खीर हमारी बन के तैयार हो गई है, इधर एकदम पिंक कलर आया है, बहुत अच्छा कलर आया है। और इधर मसाला तैयार करती हूँ छोले के लिए, हमने इसमें लहसुन डाला है, मिर्च डाली है, 2 इंच अदरक का टुकड़ा डाला है, 1 प्याज ली है, क्योंकि हमने 2 प्याज हमने चॉप करके रखी थी वो हमें डालनी है, इसमें चॉप करके भी डाली है और 1 पीस के भी डाली है। ये पेस्ट हमारा तैयार हो गया अदरक लहसुन हरी मिर्च का, और ये टमाटर की प्यूरी बना लेंगे। इधर टमाटर की प्यूरी बना लेंगे, तब तक पैन रख देंगे, और ये हमारी प्यूरी तैयार हो गई है। अब हम एक पैन ले लेंगे और इसमें
हम मसाला पैन में ही भुनेंगे, लेकिन इन्हें वापस कुकर में ही डालेंगे। छोले हमने वैसे पहले बॉयल करके रखे हुए थे। आप पहले छोले जब भी उबालेंगे तो कम से कम 5 सीटी लगा लेंगे, उसके बाद उसको धो लेंगे। तो कालापन बहुत ज़्यादा छूटता है छोले से। और तेल हमारा गर्म हो गया, अब हम इसमें जीरा डालेंगे और हमने चॉप करके जो प्याज रखी थी वो डालेंगे और खड़े मसाले डालेंगे, दालचीनी डालेंगे, तेज़पत्ता डालेंगे और काली इलायची डालेंगे। बड़ी इलायची को थोड़ा सा क्रश करके डालना तो अच्छा फ्लेवर आता है उसमें। और प्याज हमारा भुन चुका है, अब हम प्याज की प्यूरी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से भुनेंगे। जब ये मसाला भुनेगा, मसाले हम बाद में डालेंगे, पहले अच्छी तरह हम टमाटर की प्यूरी और प्याज को भून लेंगे। अब हमारा तेल सेपरेट हो गया है, मसाले डालेंगे। हमने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाला है, कलर वाला। इसमें लाल मिर्च नहीं डालनी है, जितनी भी आपको मिर्च खानी है तो हरी मिर्च डालनी है। हल्दी पाउडर डाल दिया है, धनिया पाउडर डाल दिया है और हमारा मसाला भुन गया। अब हम ये छोला मसाला डालेंगे इसमें। छोले मसाले से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसमें अनारदाने का भी टेस्ट आता है और बहुत टेस्टी बनते हैं, बिल्कुल छोले भटूरे वाले छोले बन जाते हैं। और हम हल्का सा पानी लगा के थोड़ी देर के लिए इसको ढक देंगे ताकि मसाले अच्छे से भुन भी जाएं और गल भी जाएं। और इधर मैंने गैस पे गरम पानी लगा दिया है, गरम पानी करने के लिए रख दिया है, क्योंकि छोले जब हम बनाएंगे तो हम अब इसमें गरम पानी ही डालेंगे। और थोड़े से छोले हम मैशर से मैश कर लेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारी तरी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, थिक बनेगी, तो ये अच्छी दिखेगी। और वैसे भी ये छोले थोड़े ग्रेवी वाले ही अच्छे लगते हैं, ये थिक छोले अच्छे नहीं लगते हैं। तो ग्रेवी इनमें ज़्यादा रखें तभी टेस्ट अच्छा आएगा। तो सारे मसाले हमारे तैयार हो गए, छोले में मिल गए, वापस से हम इस कुकर में डाल देंगे और इसमें ये बॉयल करा हुआ पानी डालेंगे और दोबारा से हम इसमें 4 सीटी कम से कम लगा लेंगे। 4 सीटी लगने के बाद इधर हम जब तक अपनी पूड़ी की मैदा लगा के रख देते हैं। इसकी पूड़ी बनाओ इस छोले के साथ, बहुत टेस्टी लगती है। इसमें हमने अजवाइन डाली है और कनौजी डाली है और थोड़ा सा नमक डालेंगे और यहाँ पे कम से कम 4 चम्मच ऑयल डालेंगे। हमने रिफाइंड डाली है, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, मलाई भी डाल सकते हैं। और हमने इसमें 2 चम्मच दही डाला है और हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। इसमें हमने दूध भी थोड़ा सा डाल दिया है। दूध आपकी मर्जी है, आप डालो या ना डालो, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन हम इसमें सोडा नहीं डालते हैं, हमें सोडा पसंद नहीं है। ऐसी बहुत सॉफ्ट और अच्छी बन जाती है हमारी पूड़ियाँ। तो डो तैयार हो गया है, इसको हम ढक के रख देंगे। इधर हमारे छोले देखो कितना अच्छा कलर आया है, एकदम यमी, बहुत सुंदर कलर आया है छोले में। और अब हम छोले के लिए देसी घी का तड़का तैयार करेंगे। इसमें हम एक इलायची को क्रैकल करके डाल देंगे। इस इलायची का जो तड़का लगाते हैं बाद में देसी घी से, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें, एकदम खुशबू, बहुत अलग ही खुशबू आ जाती है छोले में। हमारे छोले बनके तैयार हो गए। तो यहाँ पे हम डाल देंगे धनिया और ये देखिए हमारे छोले तैयार हो गए। थोड़ा सा धनिया हम बाद में भी डालेंगे इसमें। देखिए कितने स्पाइसी छोले बने हैं, बहुत ही यमी बनते हैं। आप लोग ज़रूर बनाना छोले, बहुत टेस्टी बनते हैं। छोले हमारे तैयार हो गए हैं। और अब हम पूजा के लिए पूड़ी बना रहे हैं। पहले हम भगवान का भोग लगाएंगे, भोग लगाएंगे मंदिर में। सबसे पहले भगवान को ही भोग लगाना है और भोग लगाने के बाद फिर केक काटेंगे। तब तक सारी तैयारियां कर लेंगे। और पूड़ी बहुत खस्ता और बहुत अच्छी बनती हैं। आप लोग बनाएंगे तो एकदम छोले भटूरे वाला ही टेस्ट आता है। लेकिन छोले भटूरे का ये होता है कि कभी सोडा डालो, ये डालो, तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं बनती। और यहाँ पे मैं भोग लगाने आ गई हूँ भगवान को। हमारी पूड़ियाँ बन के तैयार हो गई थी, पहले भगवान को भोग लगाएंगे, अब हम आएंगे केक काटने। हम यहाँ पे केक काटने
केक का, अब केक कट गया है, पूजा हो गई है, भोग लग गया है, अब हम खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो पहले की खाना तो हमारा सारा बन ही गया था, सब्जी बन गई थी, खीर बन गई थी, और अब हम थाली लगा रहे हैं और इधर हम अपनी पूड़ियों की तैयारी कर रहे हैं। पूड़ी तो गर्म ही गर्म ये अच्छी लगती हैं, खरी रखी हुई पूड़ी एकदम बेकार लगती हैं। और यहाँ पर मैंने प्याज काटी है, इसके साथ प्याज बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारी खीर और हमारी थाली तैयार हो गई है आज के बर्थडे की। आप लोग बताना कैसी बनी, यम्मी सी थाली। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए बर्थडे का खाना। हेलो हाय, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ। रात को 31 जुलाई का बेटे का बर्थडे था और रात को ब्लॉग का एंड नहीं कर पाई, तो आज 1 अगस्त है तो मैंने सोचा चलो कल वीडियो का एंड कर देंगे। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, 11:30-12 का टाइम हो रहा था, ये लोग मौज मस्ती करने लगे, फिर खाना खाया लेट हो गया। उससे पहले आप लोगों को बताएं कि छोले पूड़ी बहुत टेस्टी और बहुत ही यमी और अच्छे बने थे, और हमारी रबड़ी खीर भी बहुत अच्छी बनी थी। रबड़ी खीर अगर आप लोगों को बनानी है और उसकी रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। बर्थडे बहुत अच्छा मनाया, और बेटे के बर्थडे में दो दो केक आ गए थे, एक उसके जीजा जी ने गिफ्ट करा था और दूसरा उसकी एक फ्रेंड ने भेज दिया था, तो हमने दोनों केक एक साथ ही काट लिए थे, बहुत मज़ा आया। तो चलिए अब करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे देना।